अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने काफ़ी सारे प्लगइन्स के अबाउट आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं और यूजुअली आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये वो प्लगइन्स थे जो यूजुअली ऑलमोस्ट तमाम प्रोजेक्ट्स में हमारे सामने कोई ना कोई प्लगइन इनको यूज़ करना पड़ जाता है हमें, राइट। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपके जो प्लगइन्स हैं आपको डिफरेंट यूज़ करने पड़ सकते हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे थोड़े से प्लगइन बताए, लेकिन 2-3 लाख प्लगइन्स अवेलेबल हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह से वो प्लगइन ढूंढेंगे, तो बेसिकली इसके अंदर तमाम जो काम होता है वो आपकी रिसर्च के ऊपर होता है। आपको कोई भी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, ये फंक्शनैलिटी चाहिए, क्लाइंट को नहीं पता प्लगइन क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, जस्ट आपने उसकी रिक्वायरमेंट सुन ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने वो प्लगइन या वो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए उसका स्पेसिफिक प्लगइन ढूंढना है। तो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे चल के एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं प्लगइन्स ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। लेट्स से हमें एक प्लगइन चाहिए, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी मुझे रियल एस्टेट के लिए लिस्टिंग्स चाहिए, जैसे रियल एस्टेट वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए। अब क्लाइंट ने मुझे वो फंक्शनैलिटी बताई, अब मैं रैंडम सी क्वेरी अपने माइंड से एक सर्च करूँगा गूगल के ऊपर और मुझे काफ़ी सारे प्लगइन्स मिलेंगे और मैं उनको देखूंगा उनके अंदर से मुझे अच्छा कौन सा है जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं और क्लोज आ रहा है मेरी रिक्वायरमेंट्स के। जब मैं उन प्लगइन्स की डॉक्यूमेंटेशन रीड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से रियल इस्टेट लिस्टिंग्स वर्डप्रेस प्लगइन्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स प्लस वर्डप्रेस प्लगइन, ये आपने कीवर्ड लिखना है और आपने सर्च कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब काफ़ी सारे जो है वो आ चुके हैं हमारे पास प्लगइन। अब इनको मैं देखूंगा, देखें ये wordpress.org, इसका मतलब है ये फ्री प्लगइन है। तो मैं इसको ओपन करूँगा और देखूंगा कि इसके, देखें यहाँ पे इजी प्रॉपर्टी लिस्टिंग। अब मैंने वो नाम तो नहीं लिखा, मैंने तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ सर्च कर दिया, राइट। तो यहाँ पे देखें ये प्लगइन है, इसकी आप वीडियो भी इन्होंने ऐड की हुई है, डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे कंप्लीट दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से ये एक और प्लगइन है, तो अगर मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी देख लूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा ये किस तरह की लिस्टिंग्स करेगा। देखिए इस तरह की लिस्टिंग्स हम अपनी वेबसाइट के अंदर सेटअप कर सकते हैं और इस तरह से लिस्टिंग सेटअप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप की रिक्वायरमेंट्स जो भी हो आप उसके रेलिवेंट प्लगइन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय सर्चिंग फ्यू क्वेरीज ऑन गूगल। जस्ट योर रिक्वायरमेंट्स, उसके मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके माइंड में कुछ भी है उसको आपने सर्च करना है, उसके आगे सिंपल लिख देना है वर्डप्रेस प्लगइन। आपके सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, आपने डिफरेंट प्लगइन्स को एनालाइज करना है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको कौन सा प्लगइन यूज़ करना है और उसके बारे में, उस स्पेसिफिक प्लगइन के बारे में मज़ीद आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं अगर आपको मज़ीद नहीं समझ आ रही उस प्लगइन की। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से एक स्पेसिफिक प्लगइन ढूंढना है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।